चलिए उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको देंगे। आरएएस अफसर तरु सुराड़ा की डेंगू से मौत हो गई। चेन्नई में इलाज के दौरान मौत हुई है। पिछले 22 दिनों से उनका उपचार चल रहा था। उदयपुर में पंजीयक और मुद्रांक में महानिरीक्षक के पद पर तैनात थी। पिछले दिनों एयरलिफ्ट कर ले जाया गया था तरु सुराड़ा को और बेहद दुखद क्योंकि डेंगू की वजह से उनकी मौत हो गई। 22 दिनों से जिंदगी और मौत के बीच की जंग जो कि लड़ रही थी लेकिन बताया गया कि डेंगू से उनकी मौत हो गई। उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। चलिए अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ उदयपुर से सहयोगी रवि जुड़े हैं। रवि, आरएएस अफसर की मौत हुई है, बेहद दुखद। बताइएगा कब पुष्टि हुई थी कि उन्हें डेंगू हो गया है, फिर किस तरह से उन्हें इलाज दिया गया? अब बिल्कुल, देखिए दरअसल 6 सितंबर को उनको तेज बुखार आया था और इसके बाद उनकी तबीयत में जब सुधार नहीं हुआ तो 11 सितंबर को उन्हें यहाँ पर एक निजी चिकित्सालय में एडमिट कराया गया, जहाँ पर जांच के दौरान पता चला था कि उन्हें डेंगू जो है वो डायग्नोस हुआ। और इसके बाद उनका लगातार इलाज भी चला लेकिन बहुत ज्यादा जब फर्क नहीं पड़ा और लगातार प्लेटलेट्स की संख्या जो है वो डाउन होती गई, तो इसके बाद में 18 सितंबर को एमजीएम हॉस्पिटल चेन्नई की जो टीम है वो यहाँ पहुंची और यहाँ से उदयपुर से उन्हें एयरलिफ्ट करके चेन्नई ले जाया गया इलाज के लिए। और 18 सितंबर से ही उनका यहाँ पर चेन्नई में जो है करीब 22 दिनों तक उनका इलाज चला और इलाज के दौरान चिकित्सक जो है उनकी लाइफ सेव नहीं कर पाए और उनका निधन हो गया। आज ये जानकारी सामने आई तो ये काफी दुखद समाचार जो है वो सबके लिए था। और देखिए तरु सुराड़ा जो है एक बहुत उम्दा सीनियर आरएएस ऑफिसर थी और उन्होंने कई सारे पदों पर उदयपुर में भी काम किया। इस दौरान तरु सुराड़ा जो है फिलहाल जो है पंजीयक और पंजीयक और मुद्रांक के महानिरीक्षक के पद पर यहाँ पर तैनात थी और एक अच्छे उनकी ऑफिसर के रूप में यहाँ पर उन्हें जाना पहचाना जाता था। कई और भी पदों पर वो रहते हुए उन्होंने अपना अच्छा उत्कृष्ट कार्य करने का जो है हमेशा से प्रयास भी किया था। और ये जब खबर आई है तो जाहिर सी बात है स्थानीय जो अधिकारी हैं, यहाँ के जो तमाम ऑफिशियल्स हैं और इसके अलावा वो तमाम लोग जिन्होंने औपचारिक और अनौपचारिक तौर पर उनके साथ में काम किया था, उनके जो शुभचिंतक हैं सभी में एक तरीके से कहें तो शोक की लहर दौड़ गई। और ये जो पूरा घटनाक्रम है काफी गंभीर भी है और सभी के लिए दुखद भी है। तो ये एक बड़ा समाचार जो है वो जब आया चेन्नई से यहाँ पर, क्योंकि उनके रिश्तेदार, उनके परिवार, तमाम लोग जो है वो उदयपुर में है, तो ऐसे में सभी लोग जो है अपने आप को बड़ा एक ऐसा व्यक्तिगत क्षति जो है वो महसूस कर रहे हैं। जी बिल्कुल रवि, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए। बेहद दुखद क्योंकि आरएएस अफसर का निधन हो गया है।